नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। आपका स्वागत है हमारे खास शो मंथन में। आज हम शिक्षा से जुड़ी मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर बी प्रियम, जो स्कॉलर्स अबोड स्कूल की प्रिंसिपल हैं। आइए जानें इनसे शिक्षा के बारे में। मैम, आपका स्वागत है हमारे शो मंथन में। मैम, आप हमें ये बताएं कि आज की शिक्षा पद्धति किस ओर जा रही है और एक अच्छी शिक्षा देने के मार्ग में किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। शिक्षा पद्धति हमेशा से अच्छी रही है, चाहे वो पुरानी शिक्षा पद्धति थी या आज की शिक्षा पद्धति। ध्यान देने की बात यह है कि उस पद्धति को किस तरह से निभाया जाए। अगर आज के टीचर्स, पेरेंट्स भी साथ में और प्रिंसिपल्स अगर डिवोटेड हैं अपने काम के प्रति और अच्छी तरह अपने काम को निभा रहे हैं, तो जो भी पद्धतियाँ हैं वो अच्छी तरह निभेंगी और उससे बच्चों का फ़ायदा होना ही होना है। मैम, आज के इस आधुनिक युग में बच्चों का आउटडोर एक्टिविटी काफ़ी कम होता जा रहा है और पाया गया है कि वो लैपटॉप मोबाइल से ही चिपके हुए होते हैं। ऐसे में उनके फिजिकल मेंटल स्टेटस पे क्या प्रभाव पड़ता है? मैम, इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। जैसा कि हम लोग सब भी जानते हैं कि हेल्दी माइंड ग्रोज इन हेल्दी बॉडी, इसीलिए फिजिकल एक्टिविटीज़ का होना बहुत ही ज़रूरी है बच्चों में। तो हम सारे लोग ही बच्चों के गार्जियन हैं, तो हम लोगों को बच्चों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना है आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए भी। उनको मोटिवेट करना है कि वो फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें, तभी उनका माइंड डेवलप होगा और तभी वो अच्छी तरह पढ़ सकेंगे और उनका ब्रेन भी शार्प होगा। तो इसके लिए हम लोग आउटडोर गेम के लिए उनको मोटिवेट कर सकते हैं, एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, योगा के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, मेडिटेशंस जो हमारे स्कूल में होता है, हम लोग रोज़ ही मेडिटेशन कराते हैं बच्चों को इन सुबह की मॉर्निंग असेंबली एक्टिविटी के टाइम में, तो उनकी शुरुआत ही मेडिटेशन के साथ होती है और इससे फ़ायदा होता है उनको कि वो जब क्लास में जाते हैं तो अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं पढ़ाई के। मैम, आजकल बच्चों पे काफ़ी प्रेशर होता है, एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है, देन अच्छे मार्क्स लाने का प्रेशर होता है, तो हाउ टू प्रिपेयर दी स्टूडेंट्स फॉर दी कमिंग लाइफ, आने वाले लाइफ के लिए, कंपटीशन के लिए किस तरह बच्चों को तैयार करना चाहिए? सबसे पहले प्रेशर तो अच्छी चीज़ नहीं है। प्रेशर अगर होगा तो बच्चे अच्छी तरह पढ़ नहीं सकेंगे, तो प्रेशर रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले ये देखना है कि बच्चों के अंदर, सभी बच्चों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट होता है, तो हम लोगों का काम है कि वह चेक करें कि बच्चे किस फील्ड में टैलेंटेड हैं और उनको उसी फील्ड में उनको मोटिवेट करके उसी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए उनको कोशिश करनी है। और जब अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट वह पढ़ेंगे तो प्रेशर भी कम होगा और वह अच्छी तरह सीखेंगे भी। मैम, इस पारंपरिक शिक्षा पद्धति में किस तरह की बदलाव की उम्मीद आप चाहती हैं, या कोई बदलाव की आवश्यकता है या नहीं भी है, इस पे हमारे दर्शकों को कुछ पता है? हमारी शिक्षा पद्धति पारंपरिक रह नहीं गई है, इसमें काफ़ी चेंज आ चुके हैं ऑलरेडी, और अभी जो पद्धति है वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड है, तो अभी बच्चों को समझने में, सीखने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि प्रैक्टिकल भी बहुत कराए जाते हैं। सभी प्रैक्टिकल का मतलब ये, वो एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिकल कहते हैं। एक्चुअली प्रैक्टिकल का मतलब ये नहीं सोचें कि केमिस्ट्री लैब में जाना है या फिजिक्स लैब में जाना है, सारी एक्टिविटीज़ एक्चुअली वो प्रैक्टिकल है। तो जैसा कि सब जानते हैं कि प्रैक्टिकल करने से जल्दी सीखते हैं बच्चे, तो एक्टिविटी जो है वो प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल करेंगे तो बच्चे अच्छी तरह समझेंगे, सीखेंगे। तो जैसा कि हमने मैम से जाना, जितना ज़्यादा बच्चे प्रैक्टिकल करेंगे, एक्टिविटी में इंडल्ज रहेंगे, उतना ज़्यादा उनका विकास होगा। मैम, आज की एक नई पद्धति के तहत ई क्लासेस और स्मार्ट क्लासेस का काफ़ी चलन है, जहाँ प्रोजेक्टर के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है या इंटरनेट के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है, इसमें आपका क्या कहना है? स्मार्ट क्लास एक ऑडियो विजुअल स्टडी के लिए बना होता है, तो ऑडियो विजुअल में बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जो भी चीज़ें हैं जो वो देखते हैं स्मार्ट क्लास में, वो थ्री डायमेंशनल होती है, बहुत रियलिस्टिक होती है, तो उनको ज़्यादा समझ में आती है। हर फिगर को वो बहुत क्लियरली देख पाते हैं और एकदम रियल की तरह देख पाते हैं, तो वो जो भी कंटेंट उनको स्मार्ट क्लास के थ्रू पढ़ाया जाता है वो अच्छी तरह सीखते हैं। तो जैसा कि हमने मैम से जाना
कि एक्टिविटीज़ या प्रैक्टिकल नॉलेज ही बच्चों को ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, बच्चों में ग्रोथ लाते हैं। आज के मॉडर्न टाइम्स में मैम ई क्लासेस और स्मार्ट क्लासेस का काफ़ी बढ़ता हुआ चलन है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ई क्लास और स्मार्ट क्लास नई टेक्नोलॉजी है, ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो अच्छे के लिए हो रहे हैं, तो ये भी अच्छे के लिए है। इससे टीचर्स सपोर्ट ले सकते हैं पढ़ाने में, क्योंकि ये ऑडियो विजुअल होता है और ऑडियो विजुअल चीज़ें बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, और जो चीज़ें दिखती हैं बोर्ड पे वो काफ़ी रियल की तरह सामने आती हैं, तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट ले पाते हैं और हर चीज़ों को माइन्यूटली देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो टीचर्स इनका सपोर्ट ले सकते हैं पढ़ाने में, ये काफ़ी सपोर्टिव होगा टीचर्स के लिए, एक अच्छे टीचिंग एड्स की तरह इसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये रिप्लेस नहीं कर सकते टीचर को। तो जैसा कि मैम ने कहा, कुछ भी हो जाए शिक्षकों को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। शिक्षक एक अहम भूमिका निभाते हैं जीवन में, छात्र के जीवन में और स्कूल में। मैम, आज के बच्चे कल का भविष्य होते हैं, तो बच्चों में नैतिकता बनाए रखने के लिए क्या कुछ की जानी चाहिए, इसके बारे में दर्शकों को कुछ बताएं। बच्चे जो भी सीखते हैं अपने ही सराउंडिंग से सीखते हैं, तो सबसे पहले तो उनके सराउंडिंग्स को अच्छा करना होगा। उनके सराउंडिंग्स में उनके पेरेंट्स होते हैं, उनको नैतिक होना होगा, नैतिक अच्छी नैतिक शिक्षा देनी होगी बच्चों को, खुद ही अच्छा बर्ताव करना होगा जिससे बच्चे सीखते हैं। टीचर्स को ऑनेस्ट होना होगा, प्रिंसिपल को ऑनेस्ट होना होगा। वो सब जब अच्छे हो जाएंगे, मॉरली अच्छे होंगे, अच्छे कैरेक्टर के होंगे, तो बच्चे भी अच्छा ही सीखेंगे, क्योंकि बच्चे बाई बर्थ बुरे नहीं होते। बच्चे जो भी सीखते हैं अपने सराउंडिंग से सीखते हैं, तो उनके सराउंडिंग्स में बदलाव की ज़रूरत है, सराउंडिंग्स को अच्छा करने की ज़रूरत है, नैतिकता बढ़ाने की ज़रूरत है, बच्चे खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। कोई भी बच्चा पैदाइशी बुरा नहीं होता है, और एक अच्छे शिक्षक और अच्छे अभिभावक ही अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। मैम, दिन प्रतिदिन बच्चों पे किताबों का बोझ काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। कई जगहों पे हमने देखा है कि जितने बच्चों का वज़न नहीं होता उससे ज़्यादा उनके बैग का वज़न होता है। इस स्थिति में क्या करनी चाहिए, इस प्रेशर को किस तरह हैंडल करना चाहिए? बच्चों पे किताबों का बोझ ना बढ़ा के कम अच्छी किताबें और कम ही किताबें सेलेक्ट करके अगर उनको अच्छी तरह पढ़ाया जाए तो बच्चे अच्छी तरह सीखेंगे। ज़्यादा बुक बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, जो बुक है उसको अच्छे से पढ़ाने की ज़रूरत है, अच्छे से सिखाने की ज़रूरत है बच्चों को। तो मैम का कहना है किताबें कम हों पर किताबें अच्छी हों। मैम, आज के स्टूडेंट्स 10+2 करने के बाद काफ़ी कंफ्यूज या डिलेमा में रहते हैं, हाउ टू चूज़ और हाउ टू प्लान देयर करियर। तो मैम, उसके बारे में कुछ हमारे अभिभावकों को, स्टूडेंट्स को बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अभिभावकों के लिए बोलना चाहूँगी कि वो बच्चों पे कोई ऐसा प्रेशर ना दें जिसमें बच्चे इंटरेस्ट ना ले रहे हों। जैसे कोई बच्चा अगर आर्ट्स में अच्छा है और उसको ज़बरदस्ती साइंस पढ़ा के और पेरेंट्स एक्सपेक्ट करें कि वो डॉक्टर इंजीनियर बने, तो ये बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा और बच्चे वो अच्छा कर भी नहीं पाएंगे उस फील्ड में। तो सबसे पहले पेरेंट्स को ये देखना है कि हमारा बच्चा किस सब्जेक्ट में अच्छा है, और वो अपने बच्चे को उसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, तो बच्चा अच्छा पढ़ेगा, इंटरेस्ट से पढ़ेगा और कुछ बन पाएगा। उसी सब्जेक्ट में बहुत सारे कोर्स हैं जो वो कर पाएगा। तो आवश्यकता है बच्चों की रुचि पे ध्यान देने की, बच्चों पे मानसिक दबाव ना बनाएं। दबाव के कारण वो किसी और करियर को चूज़ भी कर लेते हैं तो उस पर सफल ना हो पाएंगे। मैम, आज के आधुनिक युग में जहाँ माता पिता दोनों वर्किंग हैं, इस कंडीशंस में क्या करना चाहिए, किस तरह पेरेंटल गाइडेंस बच्चों को देनी चाहिए? देखिए, हर चीज़ आज के ये साइंटिफिक युग में हर चीज़ का ऑप्शन निकल के आ गया है, लेकिन पेरेंट्स का ऑप्शन नहीं है। पेरेंट्स को टाइम निकालना ही पड़ेगा बच्चों के लिए, और जहाँ जहाँ भी उनको ध्यान देने की ज़रूरत है उन्हीं को ध्यान देना होगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। वो चाहेंगे कि पढ़ाने के लिए ट्यूशन रख दो, बच्चा पढ़ जाएगा, मेड रख दो, बच्चों का सारा काम कर लेगी, इससे बच्चों का काम पूरा नहीं हो सकता। उसके लिए तो उनको टाइम निकालना है और बच्चों पे ध्यान देना ही होगा, तभी बच्चे अच्छा बन पाएंगे। जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से वो उतना तभी मिलेगा जब वो टाइम देंगे बच्चों को।
मैम, शिक्षक जो होते हैं बच्चों के लिए आदर्श होते हैं या समाज के लिए आदर्श होते हैं। आजकल कई ऐसी घटनाएं आ रही हैं जिनसे शिक्षकों की गरिमा कम हो रही है। शिक्षकों में नैतिकता किस तरह बरकरार रखनी चाहिए, इसके बारे में कुछ बताएं। जैसा कि मुझे लगता है कि शिक्षकों की गरिमा कम होने का कारण उनका ज़्यादा ट्यूशन पे ध्यान देना है। वो बच्चों को फोर्स करने लगे हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, इस वजह से उनकी गरिमा कम हो रही है। तो मैं शिक्षकों को ये कहना चाहती हूँ कि वो बच्चों को अपने अपने बच्चों की तरह सोचें और उनको मन से पढ़ाएं, दिल से पढ़ाएं, तो वो अच्छा भी पढ़ा पाएंगे और बच्चे बहुत खुश रहेंगे उनसे। तो चलते चलते दर्शकों, मैम से पूछते हैं एक आखिरी सवाल। मैम, आप छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से, शो के माध्यम से? मैं छात्रों को ये बोलना चाहती हूँ कि यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। तो बच्चों, प्लीज़ अपना करियर बनाओ, मेहनत करो, ऑनेस्ट बनो, आगे बढ़ो और हमारे देश का नाम रोशन करो। थैंक यू। हमारे साथ थी हमारी गेस्ट डॉक्टर बी प्रियम, स्कॉलर्स अबोड स्कूल की प्रिंसिपल। चलते चलते हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।